नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। पीजीआई में भर्ती इलाज के अभाव में कोरोना पॉजिटिव महिला ने तोड़ा दम। बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नरोत्तमगढ़ में एक महिला की कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु हो गई, जिसका अंतिम संस्कार देर रात उसके पैतृक गांव में शमशान घाट में कर दिया गया। हालांकि परिवार ने मौत का कारण सेप्टिक बताया। जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय सोनिया पत्नी देवी सिंह की कुछ दिन पहले ही सहारनपुर जिला अस्पताल में बड़े ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी। छुट्टी के बाद घर भेज दिया गया था, जहां कई दिनों से सोनिया की तबीयत खराब चल रही थी, जिसके चलते आज सुबह उसे बाजोरी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर देशराज सिंह ने बताया कि सबसे पहले उसका कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें उसकी रिपोर्ट कोविड-19 से संक्रमण होने का पता चला। उसके बाद तुरंत शेख उल हिंद मेडिकल कॉलेज पिलखनी में रेफर कर दिया गया, जहां काफी जद्दोजहद के बाद सोनिया को एडमिट कर ऑक्सीजन तो लगा दी गई, लेकिन उसे वेंटिलेटर नहीं मिल पाया। और लगभग 4 बजे परिवार को अस्पताल की ओर से फोन द्वारा सूचना मिली कि सोनिया की मृत्यु हो चुकी है। ये सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। वीब्रॉज में भी होगा कोविड मरीजों का उपचार, प्रशासन ने दी मंजूरी। जिले में बेहतर सुविधाओं से लैस है वीब्रॉज हॉस्पिटल। जी हां, लखनऊ के ही वीब्रॉज हॉस्पिटल के स्थानीय ब्रांच सहारनपुर के दिल्ली रोड पर स्थित है। आधुनिक विदेशी मशीनों सहित बेहतर सुविधाओं से युक्त इस अस्पताल में उपचार कम दामों पर उपलब्ध है। अस्पताल निदेशक डॉक्टर अशित सेन ने बताया कि लगातार बढ़ते कोरोना प्रकोप के चलते अस्पताल की ओर से अपने यहां भी कोविड मरीजों के उपचार की मंजूरी मांगी गई थी, जो कि आज मिल गई है। डीएम कार्यालय द्वारा जारी किए गए पत्र के बाद अस्पताल ने अपने यहां कोरोना मरीजों को भर्ती करने की तैयारी शुरू कर दी है। आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है। अब कोरोना कर्फ्यू शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा। कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, पंचायत चुनाव और सफाई कार्यों से जुड़े कर्मियों के अतिरिक्त किसी को भी आवागमन की अनुमति नहीं होगी। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसका पालन नहीं होने पर पहली बार 1,000 और दूसरी बार 10,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इस दौरान अग्निशमन विभाग और चीनी मिलों द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी SSP ने किया शेख उल हिंद मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अश्विनप्पा द्वारा कोरोना संक्रमण महामारी के दृष्टिगत मौलाना शेख उल हिंद मेडिकल कॉलेज पिलखनी सरसावा कोविड सेंटर की स्थितियों का जायजा लिया गया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। नगर निगम ने फिर की टेलीमेडिसिन की शुरुआत। IMA के सहयोग से शुरू की गई नगर निगम की निशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा का शुक्रवार से विधिवत शुभारंभ किया गया। टेलीमेडिसिन के पैनल में विभिन्न रोगों के करीब 2 दर्जन वरिष्ठ चिकित्सक शामिल हो चुके हैं। सहारनपुर नगर निगम प्रदेश का पहला निगम है जिसके द्वारा टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई है। जिले के एक ही नहीं, दूसरे जनपदों व राज्यों के रोगियों ने भी टेलीमेडिसिन सेंटर का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। गत वर्ष भी नगर निगम द्वारा संचालित टेलीमेडिसिन सेंटर द्वारा 3,000 से ज्यादा रोगियों को निःशुल्क उपचार दिलाया गया था। कोरोना संकट के बीच RTO में 1 मई तक नहीं बनेगा लाइसेंस। महत्वपूर्ण सूचना आपको बता दें, तेजी से बढ़ रहे कोरोना संकट के बीच ड्राइविंग लाइसेंस के काम को 1 मई तक रोक दिया गया है। इनमें लर्निंग लाइसेंस से लेकर लाइसेंस से जुड़े सभी काम स्थगित किए गए हैं। परिवहन आयुक्त के इस आदेश को जिले में आज 23 अप्रैल से लागू किया गया है। देवबंद SDM व CO ने मंगलोर चौकी के पास स्थित बैंकेट हॉल में छापा मारा। कोरोना काल में शादी समारोह के लिए बनाई गई गाइडलाइन की शादी में धज्जियां उड़ रही थी। शादी में नियमों के विरुद्ध ज्यादा मेहमान बुलाए गए थे। वहीं अधिकारियों ने बैंकेट हॉल मालिक व शादी समारोह वाले लोगों पर कार्यवाही की बात कही।
बैंकेट हॉल से लेकर सड़क तक पर कोरोना नियमों की अनदेखी करी जा रही थी। जामा मस्जिद में कोविड 19 नियमों का पालन। जामा मस्जिद में नमाज से पहले ही कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। मस्जिद में सीमित लोगों को पूरी तरह से सैनिटाइज कर प्रवेश दिया जा रहा है। यही नहीं, मस्जिद के मुख्य प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया है। साथ ही जामा मस्जिद में नमाज के दौरान शारीरिक दूरी कायम रखने के लिए लाइनें बनाने का भी कार्य किया गया है। अन्य दिनों में भी लोगों को मस्जिद में प्रवेश से पूर्व उनका तापमान भी मापा जा रहा है। रिडीन, आपको कैसा लगा? अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।